सबने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है किसी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भ्रष्टाचारी हैं उनका कार्य भ्रष्टाचार करना है और एक ईमानदार सरकार की जिम्मेदारी है कि इन भ्रष्टाचारियों को पकड़े। जो जनता का रुपया इन्होंने अंदर किया है अपनी तिजोरी में, लूट खसोट मचाई है, उसको वसूले और वो जनता के हित में लगे। और इसके साथ ये सारे भ्रष्टाचारी जेल की सलाखों के पीछे सजा पाए, ये हमें सुनिश्चित करना है। और कल दो बड़े प्रमुख फैसले सुनाए गए, एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय का था और एक दिल्ली उच्च न्यायालय का था। पहले बात कर लेते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी करी, और दो आदेश सर्वोच्च न्यायालय के मैं आपके समक्ष रखूंगा। और खासकर अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान जो हैं, उनसे उम्मीद करूंगा कि भारत की जनता और दिल्ली की जनता जो सवाल उठा रही है, आपसे पूछ रही है, उसका उत्तर आप देने की हिम्मत जुटा पाएंगे। ये कहना गलत नहीं होगा, अरविंद केजरीवाल की चुनरी में दाग लगते ही जा रहे हैं, दो दाग कल भी लगे हैं। और अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं, लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे, जनता के बीच में मैं जाऊं कैसे। कल सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ी सख्त टिप्पणी करी है, और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि RRTS प्रोजेक्ट है, रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, और ये अपने हाथ में 6 मार्च 2019 का सर्वोच्च न्यायालय का आदेश, 21 अप्रैल 2023 सर्वोच्च न्यायालय का आदेश, और जो कल आदेश पारित हुआ है वो आपके समक्ष रखता हूं। और ये दिखाएगा कि अरविंद केजरीवाल कितने बड़े घोटालेबाज हैं। अपनी वैगनार तो बड़ी हो गई, लग्जरी गाड़ी में घूमेंगे, चार्टर में घूमेंगे, मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, शीश महल बन गया, करोड़ों का घोटाला वहां किया, तुष्टीकरण करने के लिए भत्ता देने के लिए रुपया है, लेकिन जनता की सहूलियत, जनता का हित हो जाए वो इनको अच्छा नहीं लगता है। अरविंद केजरीवाल करेंगे भ्रष्टाचार, जनता रहेगी लाचार, यही इनकी प्रेरणा है। ये आंकड़े बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, और ये सारे के सारे मैं ऑर्डर से ही पढ़ रहा हूं। दिल्ली मेरठ का ये कॉरिडोर करीब 82 किलोमीटर का है, और दिल्ली से मेरठ 60 मिनट में आम जनता दूरी तय कर लेगी। इसकी कुल लागत 31,632 करोड़ रुपए, जिसमें अब तक केंद्र सरकार अपना पूरा योगदान दे चुकी है, और ये 2019 में लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश को 5,828 करोड़ रुपए देने थे। उत्तर प्रदेश में हमने देखा किस तरह से सरकार है जो जनता की चिंता करती है, वो रुपया भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया, 5,828 करोड़।
दिल्ली के हिस्से में 1138 करोड़ था, केवल 1138 करोड़। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से कहा गया कि ये जमा कराइए। अरविंद केजरीवाल जी अपने शराब के व्यापारी मित्रों की चिंता करते हैं, अपना शीश महल बनाते हैं, और एक तुलनात्मक बात रखना अति आवश्यक है, 3 वर्ष में अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान घोटालेबाज वसूली सरकार ने अपना महिमा मंडन करने के लिए 1106 करोड़ रुपए के इश्तिहार दे डाले, एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ 1106 करोड़ इन द लास्ट 3 ईयर्स हैव बीन रिलीज्ड बाय द मोस्ट डिसऑनेस्ट, द मोस्ट करप्ट लीडर इन इंडिया, मिस्टर अरविंद केजरीवाल इन द लास्ट 3 ईयर्स। नाउ क्वेश्चन हैज टू बी आस्क्ड दैट ऑन वन साइड योर कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द RRTS प्रोजेक्ट वॉज 1138 करोड़, एंड यू हैव रिपीटेडली टोल्ड द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दैट वी डू नॉट हैव द मनी, मेरे पास तो रुपया है नहीं। और 1106 करोड़ रुपए उसी समय आप अपना महिमा मंडन करने के लिए इश्तिहार में इस्तेमाल करते हैं, और यह सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश मैं पढ़ रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, और मैं कोट कर रहा हूं, कोट, फॉर द करंट ईयर बजटरी प्रोविजन हैज नॉट बीन मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। उसके बाद उन्होंने कहा, द कॉरिडोर हैज रिसेंटली बीन फाइनलाइज्ड, इन द सर्कमस्टांसेस वी डायरेक्ट द दिल्ली गवर्नमेंट टू कॉन्ट्रीब्यूट ₹265 करोड़, वी डायरेक्ट द गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली टू मेक अप्रोप्रिएट बजटरी एलोकेशन फ्रॉम नेक्स्ट ईयर विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2019। कुछ बातें प्रमुखता से उठ के आती हैं, जनता के लिए सहूलियत हो, यह मंजूर नहीं है कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल को। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर पहले 265 करोड़ और फिर 21 अप्रैल 2023 को 500 करोड़ रुपए दिए, दोनों बार सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश था, स्वयं सामने नहीं आए। और सबसे बड़ी बात है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा बजटरी एलोकेशन कर दीजिएगा, क्यों नहीं किया अरविंद केजरीवाल जी? अच्छा अच्छा, वो जो आपके शराब घोटाले वाले मित्र थे, जो आपसे पूछ के शराब नीति बना रहे थे, उनके साथ आप व्यस्त थे, जनता की सुध लेने की आपको फुर्सत कहां थी? और इसके बाद इसी तरह से 21 अप्रैल 2023 को उन्होंने कहा, वी कॉल अपॉन द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक द रिक्विजिट बजटरी प्रोविजन इफ नॉट ऑलरेडी मेड, और 500 करोड़ रुपए तुरंत रिलीज किए जाएं, ये अप्रैल 2023 में। अब जो कल हुआ ये चिंताजनक है, आपत्तिजनक है, और अरविंद केजरीवाल जी कट्टर बेईमान तो है ही, वो साथ साथ जनता का हित भी अपने ही देख सकते हैं, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भी वो नहीं कर सकते हैं। स्पष्ट सर्वोच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी करी, अभी आदेश आया नहीं था लेकिन ये टिप्पणियां थी जो रिपोर्ट हुई, उसमें कहा गया कि अरविंद केजरीवाल की सरकार अपने हिस्से का जो पैसा जमा कराना है वो नहीं करा रही, जिससे RRTS प्रोजेक्ट जो कि जनता के हित में है उसमें लागू करने में देरी हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त टिप्पणी करके कहा, इश्तिहार के लिए तुम्हारे पास रुपया है, RRTS प्रोजेक्ट जो जनता के हित में है इसको लागू करने के लिए रुपया नहीं है। 3 साल का पूरा विश्लेषण, पूरा खाका, कितना रुपया इश्तिहार में
इस घोटालेबाज अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि उसका ब्यौरा हलफनामे के साथ शपथ लेकर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखें। और इसीलिए आज ये प्रश्न उठाया जाएगा, ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं, भ्रष्टाचार करने के बाद पकड़े जाते हैं तो कहते हैं राजनीतिक द्वेष का मामला है, और जो जनता के हित के काम होते हैं उसमें जो इनका कर्तव्य है उसका पालन नहीं करते हैं। मैं ये भी आपके समक्ष रखना चाहूंगा, कल दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनीष सिसोदिया, पूर्व उप मुख्यमंत्री जिनको कट्टर ईमानदार बता रहे थे अरविंद केजरीवाल, उनकी ईडी के मामले में जो बेल की पिटिशन थी उसको भी निरस्त कर दिया। और बताया ये जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो कि किंगपिन है शराब घोटाले के, वो बड़े ही डरे हुए हैं, वो चिंता कर रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मनीष सिसोदिया को तो मैंने इशारे पे चला के घोटाला कर दिया, अब मैं भी अंदर जाऊंगा। और हम तो बार बार कहते हैं जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल के पास आ रही है हथकड़ी। और मैं आपको बता दूं, ये चौथा ऐसा मौका है, करारा थप्पड़ पड़ा है अरविंद केजरीवाल को, और जो भ्रष्टाचार वो अपनी नाक के नीचे करवाते हैं उन्हीं के इशारे पे होता है। मुझे याद आता है कि सीबीआई कोर्ट ने पहले बेल रिजेक्ट करी मनीष सिसोदिया की, उसके बाद ईडी कोर्ट ने भी बेल रिजेक्ट करी थी दोनों मामलों में, फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने जो सीबीआई का मामला है उसमें बेल रिजेक्ट करी, और कल दिल्ली उच्च न्यायालय ने जो ईडी वाला मामला है उसमें भी बेल रिजेक्ट कर दी। क्या अरविंद केजरीवाल में इतनी हिम्मत होगी बाहर निकल कर आए और बताएं ये जो 130 दिन से पूर्व उप मुख्यमंत्री कट्टर बेईमान मनीष सिसोदिया जेल की सलाखों पर में है, और चार ऐसे न्यायालय के आदेश आ चुके हैं कि उनको राहत नहीं मिल रही, तो ये माना नहीं जाएगा? ये जो भ्रष्टाचार हुआ है ये भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल जी आपने ही कराया है, क्योंकि जो जीओएम बनी उस मीटिंग में आप उपस्थित थे, आप ही की अध्यक्षता में वो मीटिंग हुई थी, और शराब का व्यापार करने वाले अपने मित्रों को कई हजार करोड़ रुपए का फायदा कराना, लेकिन जनता के हित में अगर आरआरटीएस प्रोजेक्ट आता है और आपको 1100 कुछ करोड़ रुपए का उसमें कंट्रीब्यूशन करना है तो आपके पास रुपया नहीं है। और न्यायालय ने यह कहा है, मेरे पास वो पैराग्राफ्स भी हैं लेकिन उसका जो सारांश है, जो उसका निचोड़ है, मैं आपके समक्ष रख दूं। कहा गया है कि किकबैक्स लिए गए, मैं तुम्हें ठेका दूंगा तुम मुझे गुलाबी गड्डियां देना, यह लिखा है पैरा 61 में। साथ में लिखा है कि जो शराब के ठेकेदार थे वो जो गोपनीय बैठक होती है उसमें उपस्थित रहते थे और निर्देशित करते थे कि शराब की नीति दिल्ली सरकार की क्या होगी,
जिसको मुनाफा होना है, जिसको ठेका चलाना है, वो खुद ही नीति बना रहा है। ये तो सरकार का काम है, ये भी बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कल के आदेश में। सबसे अहम बात यह है, जो ईमानदार अफसर हैं, जिन्होंने आपत्ति दर्ज करी, जिन्होंने सुझाव दिए एक्साइज डिपार्टमेंट के, और ये नोटिंग जब गई कैबिनेट के समक्ष, तो वो फाइलें लौट के ही नहीं आई हैं। मतलब जो दस्तावेज हैं, जो ये साबित करते हैं कि अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और तमाम और मंत्री कट्टर बेईमान है और इन्होंने शराब घोटाला किया, वो साक्ष्य, वो प्रमाण, वो फाइलें गायब कर दी जाती हैं। आई कैन कोट दिस ऑब्जर्वेशन बाय द ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट। द हाई कोर्ट हैज सेड, लर्नेड ट्रायल कोर्ट टुक इनटू कंसिडरेशन द स्टेटमेंट्स मेड बाय रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स ऑफ द एक्साइज डिपार्टमेंट which showed that the file of cabinet note got prepared by the then excise commissioner and sent for consideration of the GOM, along with the feedback given by public and opinions given by some legal luminaries against total privatization of the liquor sector or business and for going with the earlier model of policy, was never returned back to the said office and the same had gone missing. गायब हो गई फाइल। इसके साथ ये भी लिखा है कि जो किकबैक आया उसका इस्तेमाल, जो काली कमाई है, लोकतंत्र को प्रदूषित करने के लिए अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। जहां प्रदेश में चुनाव आया उसमें इसका इस्तेमाल किया गया। और उच्च न्यायालय ने अंत किया है कि जो आरोपी हैं कट्टर बेईमान मनीष सिसोदिया, ये बड़े पद पर रहे हैं, ये साक्ष्य मिटा भी सकते हैं, प्रमाण मिटा सकते हैं, जो विटनेसेस हैं उनको डरा भी सकते हैं, और इसलिए इनको बेल नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि प्रथम दृष्टया जो आरोप लगे हैं ये बहुत ही गंभीर हैं। अब ये दोनों बिंदु जो मैंने आपके समक्ष रखे, इससे एक बात उजागर हो गई है। ये जो भ्रष्टाचारी हैं, ये सोचते हैं कि इनकी जिम्मेदारी, इनका कर्तव्य केवल भ्रष्टाचार करना, जनता को लूटना और खुद अपना बंगला बड़ा करना और गाड़ी बेहतर करना है। नहीं, ये भ्रष्टाचारी अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो जो भारतीय जनता पार्टी है वो पुरजोर तरीके से इनको एक्सपोज करेगी, इनका घिनौना चेहरा सामने लाएगी और जनता की आवाज बन के सुनिश्चित करेगी कि ये जेल की सलाखों के पीछे हो। और मैं समझता हूं कि आज अरविंद केजरीवाल ये प्रेस वार्ता जरूर सुन रहे होंगे, उनको चुनौती देता हूं, अगर दमखम है तो बाहर निकलकर जो प्रश्न हमने उठाए हैं उनमें से किसी एक का भी उत्तर दे दें तो जनता सब देख रही है। बार बार जो बात भारतीय जनता पार्टी ने इस मंच से उठाई, हमारी जो प्रदेश की इकाई है उसने उठाई, उस पर न्यायालय की मुहर लगी है। और यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी जो मंत्रिपरिषद है, जो नेता है, वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। धन्यवाद। देखिए, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, गैर कानूनी। आज अरविंद केजरीवाल गैर कानूनी कार्य का पर्याय बन गए हैं। उनके पास इतना समय नहीं है कि वो संविधान पढ़े, कानून पढ़े। अरविंद केजरीवाल केवल जो शराब के ठेकेदार हैं उनके साथ, कुछ बड़े बड़े इंटीरियर कंसल्टेंट हैं जिनको करोड़ों रुपया देते हैं,
जो वियतनाम से मार्बल आना है उनके साथ, बड़ी बड़ी गाड़ियों के जो डीलर हैं उनके साथ बैठना उन्हें अच्छा लगता है, उनकी रुचि वही है। जनता से संवाद करना, जनता का हित देखना अब अरविंद केजरीवाल की प्राथमिकता नहीं रही है, और जो भी फैसला लिया गया है मैं इतना ही कहूंगा वो न्याय संगत है, क्योंकि आप स्पेशलिस्ट रखिए, कंसल्टेंट रखिए, लेकिन ये जनता के हित में होना चाहिए, एक कानून व्यवस्था के तहत होना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी कानून को मानते नहीं हैं, कानून को तोड़ने की आदत उन्हें पड़ गई है, और जनता उनका गुरूर जरूर तोड़ेगी।